हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 9 ऑफ वैदिक मैथ्स। अभी तक आपने इतनी सारी चीजें देखी। हमने यहाँ पे जो सीखा वो था मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट क्लास में जो आपने देखा था दैट इज द जनरल मेथड टू फाइंड द स्क्वायर। अब वहां पे हमने स्क्वायर जो देखा वो 3 डिजिट्स का भी था बेटा, और 2 डिजिट्स का भी था। हमने सारे डिजिट्स को देखा, एक बार छोटा सा रिविजन ले लेते हैं, देन वी विल बैक टू द न्यू टॉपिक। सो सपोज टू बी we have to find the square of 84, okay? Now we have two digits. दो डिजिट के लिए स्क्वायर का पैटर्न कैसे सिखाया था मैंने, देखिए, इट्स ए इट्स बी, ओके। नाउ बी ए डी ए बी एंड डी बी, वॉट इज डी हियर, डी इज द डुप्लेक्स। डी क्या था, डी था डुप्लेक्स, and duplex of single digit can be calculated as the square. Duplex of single digit can be calculated as the square of the number 64. Now this one is square of 4 which is 16, okay? Now DAB ye kaise calculate karte the, 8 4 za 32, 32 into 32 into, now duplex of AB, दो डिजिट का डुप्लेक्स कैसे निकालते थे हम लोग, देखिए डुप्लेक्स ऑफ टू डिजिट इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी। सो वी हैव 2 इंटू 8 इंटू 4, ओके, 8 4 जा इट्स 32 एंड इट्स 64। नाउ व्हाट वाज द रूल, रूल ये था कि लास्ट डिजिट हमेशा सिंगल रहेगी, मतलब एक्सेप्ट दिस, जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वो डबल या ट्रिपल हो सकता है, इट मे हैव मोर देन वन डिजिट बट रिमेनिंग डिजिट विल बी सिंगल, ओके। सो इट्स 6, 1 कैरी फॉरवर्डेड इट्स 5, 6 कैरी फॉरवर्डेड इट्स 7056। दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स वी हैव फॉर द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, इट्स 71 स्क्वायर, इट्स 71 square. Now see, duplex of A, it's 49. AB, 7 and the 7, 7 to the 14. Now it's 1. So we have 1, 4, this gonna forward it, 5041. Okay? तो ये आपने सीखा दो का था, हो गया याद। अब देखिए कुछ ऐसी टर्म्स थी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस नहीं की थी, बट ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको एक बार देखा जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज मिस हो। प्रॉपरली रिवाइज करेंगे हम लोग, चीजों को बार बार समझेंगे ताकि इशू ना आए कोई। देखिएगा, तो ये टू डिजिट का हो गया। अच्छा, मैंने एक आपको फाइव का भी सिखाया था, देट वॉज अ स्पेशल केस फॉर दी फाइव। कैसे सिखाया था मैंने, सपोज टू भी अपने पास 35 है एंड यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस, तो पीछे क्या फिक्स है, 25 फिक्स, इससे एक आगे, 3 4 जा 12, तो 35 का स्क्वायर इट्स 12 25। नाउ लेट अस टेक वन मोर, 45 का स्क्वायर, व्हाट यू हैव, 5 का स्क्वायर 25, 4 5 जा 20, इट्स 2025। याद आया कुछ कुछ, रिवाइज किया था हमने। नाउ एक अबो बेस रूल बताया था मैंने फॉर 40s और 50s, ठीक। वो रूल क्या था, सपोज टू बी अगर कोई नंबर 50 से बड़ा है और कोई नंबर 50 से छोटा है, एंड यू हैव द कंडीशन दैट कि 50 के आसपास ही होना चाहिए, और मैं बोलूं तो रेंज 40 से 60 के बीच बेस्ट है, तो आप इस मेथड से स्क्वायर निकालिएगा। अब स्क्वायर निकालने का तरीका कैसे होगा, देखिए सपोज टू बी यू हैव 52 का स्क्वायर, ओके, किसका स्क्वायर है 52 का, ध्यान से समझिएगा। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 प्लस 2 27, आगे का बन गया, और पीछे कौन है 2, 2 का स्क्वायर इट्स 4, और डिजिट कितनी होनी चाहिए 2, तो 04, तो 2704 इट्स ए स्क्वायर ऑफ 52। समझ में आया कैसे। एक और देखिए, अब मैं बोलूं 54 का स्क्वायर, तो भाई पीछे का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4, 2916। एंड सेम थिंग्स हैपन विद द केस ऑफ अपोजिट ऑफ 50,
ठीक है, और बिलो ऑफ 50। देखिए अपने पास 48 है ना, केस उल्टा हो जाएगा, बस जस्ट उल्टा। कितना कम है 50 से, ये 2 कम है, तो 50, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 कम करिए, इट्स 23। ओके, कितना बिलो है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2304। ऐसी सपोज टू भी अपने पास 46 है, कितना कम है 50 से 4, तो 4 का स्क्वायर 16। ओके नाउ 25, 25 में से कितना माइनस कर दीजिए 4, इट्स 2116। हुआ रिवाइज, आया थोड़ा बहुत, आई डोंट थिंक कि कंफ्यूजन होगा आपको इस चीज में। अब हम मूव करते हैं, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स, देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। ओके, देखिए स्क्वायर ऑफ 3 नंबर्स कैसे सॉल्व करना है हमें, उस चीज को थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। बिफोर दैट वी विल डिस्कस द लिटिल कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लेक्स। डुप्लेक्स 3 डिजिट का कैसे निकाला जाता था, अगर आपने नोटिस किया हो तो डुप्लेक्स 3 डिजिट का कैसे निकालते थे, बी का स्क्वायर प्लस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac। नाउ सी हियर, डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, देखिएगा आज हमारे पास बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन होंगे, हम उसको सीखेंगे और समझेंगे, वर्कशीट में आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी और उसको करने वाले हैं आज हम। देखिएगा डुप्लेक्स ऑफ 412, ठीक, ओके, कैसे निकालते थे, इट्स ए, इट्स बी, इट्स सी। आई मस्ट सजेस्ट यू वीडियो को फॉरवर्ड मत करिएगा, पाप मत काटना, पहले ही बता देता हूं मैं, ईमानदारी से वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है, इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं, ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपका फायदा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा प्रॉपरली। इसलिए मैं बेवकूफ नहीं जो मैं बाबर हर वीडियो में पहले रिवाइज करवाता हूं, ये तो मैं आप पे छोड़ दूं, कितना करेंगे आप, नहीं करेंगे, इसी बहाने आप रिवाइज तो करेंगे, है ना। सो पहले रिवाइज करें ईमानदारी से बेटा, वीडियो को फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है ना, लुक एट केयरफुली। चलो डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट कैसे निकलता था, बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू सी, इट्स प्लस, ओके, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू सी। बी क्या है अपने पास 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 4 इंटू 2, वी हैव 1 प्लस 2, 4 जा 8, इट्स 16, तो डुप्लेक्स कितना हो गया इसका 17। नाउ सी, अब मैं निकाल रहा हूं इसका स्क्वायर, फॉर्मूला कैसे बनता था देखिए, बहुत सिमेट्री बनती थी, इधर देखिएगा डी ए, डी ए बी, डी ए बी सी, डी बी सी, डी सी। डी ए मतलब क्या है, स्क्वायर ऑफ ए, इट मीन्स वी हैव 16, ओके, वी हैव 16, स्क्वायर ऑफ 4। डी ए बी, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, डुप्लेक्स ऑफ ए बी कैसे निकालते थे बताना, दो नंबर का इंटू करना 2 से। अब इन तीनों का डुप्लेक्स कैसे निकालते थे, कितना है तीनों का डुप्लेक्स 17, लिख दीजिए। नाउ डुप्लेक्स ऑफ दिस 2, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, नाउ डुप्लेक्स ऑफ ओनली दिस 4, तो वी हैव 4, 4, 7, 1 कैरी फॉरवर्डेड 9, इट्स 169744, 169744, दिस इज द बेसिक डुप्लेक्स ऑफ एनी नंबर। With the help of this method, you are able to find out the square of 2 digit as well as 3 digit number. Any square. It means, now you have square of 1 to 1000. And you can calculate it on your tips. आप अपनी उंगलियों पे अब इनको गिन सकते हैं. Now what you have to do, you have to just keep one thing in your mind, that is keep revising it. जब तक आप revise नहीं करेंगे, घर पे आप इसको 10 बार नहीं देखेंगे खुद, जब तक चीजें धुंधली रहेंगी, तो उसमें से धूल हटानी है, और हटाने का सिर्फ एक ही है मकसद, आप उसको बार बार रिपीट करिए, जितना ज्यादा रिपीट करेंगे वो चीजें उतनी क्लियर हो जाएंगी। ओके, नाउ वी हैव न्यू टॉपिक, वी विल टुडे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन
ऑफ 4 × 1। 4 डिजिट का किससे करेंगे हम, 1 से करेंगे। आज का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ये है। देखिए सिंपल सा फंडा बता दूं, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, दिस इज 1। आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट, 4 डिजिट प्लस 1 डिजिट। इट मस्ट हैव हाउ मच डिजिट, 4 + 1 = 5। इट मस्ट हैव 4 डिजिट्स, है ना। 4 पार्ट्स में आंसर होना चाहिए, मतलब आंसर कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ये समझ में है ना कहां से आया, मैंने लिख रहा बार बार, ऑलरेडी सारी वीडियोस में मेंशन कर चुका हूं ये चीज कहां से आई। टोटल डिजिट काउंट करिए, 4 + 1 = 5। 5 का एकाई यूनिट निकालिए, इट्स 4। देन आंसर मस्ट हैव हाउ मच पार्ट, 4 पार्ट्स। तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड दिस वन इज 4 पार्ट। दिस पार्ट इज कंसिडर्ड टू बी राइट पार्ट एंड दिस वन इज लेफ्ट पार्ट एंड रिमेनिंग आर मिडिल पार्ट। नाउ हाउ द मल्टीप्लीकेशन टेक्स प्लेस, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। लुक एट हियर, फर्स्ट वन इसका इससे किया, फिर इसका इससे किया और इसका इससे, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन हमारा था सिंपल सा, सुपर सा, है ना। देखिए नंबर लिख दो मैं कोई सा भी, 4 डिजिट लिख देता हूं मैं, 1 5 6 4 × 3। देखिएगा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है ये। इसके बाद वाला करेंगे वो बहुत बेनिफिशियल है आपके। 3 4 = 12, 3 6 = 18, 3 5 = 15, 3 1 = 3। नाउ दिस पार्ट्स हैव 1 डिजिट्स एंड दिस पार्ट मे कंटेन मोर देन 1 डिजिट। 2 1 forwarded 9, 1 forwarded 6, इट बिकम 16, 1 forwarded 4, 4 6 9 2। दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन दैट यू जनरली यूज इन योर डेली लाइफ। नाउ दिस वन इज फॉर यू, 5 1 6 8 × 4। ये आप करिए पैरेलल, आप लोग करिए इसको। आंसर मस्ट हैव हाउ मच पार्ट, 4 पार्ट्स। सेम टेक्निक से 1 carry forwarded। मुझे पता है कि आप बोलोगे सर इसमें तो उसमें बात बराबर है, इफ यू आर डूइंग वैदिक मैथ्स तो हर चीज में वैदिक मैथ्स लगाइए। तो ब्रेन से जो कंफ्यूजन है ना, जो आपने पहले सीख रखा है दूसरी टेक्निक्स को, वो तभी वॉश होंगी तो नई चीजें आएंगी। क्योंकि अगर पुरानी चीज भरी पड़ी है दिमाग में तो नई चीज नहीं आ सकती, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 × 2। दिस इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, 4 × 2, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम सब्ट्रैक्शन भी देखने वाले हैं। देखिए कैसे करना है, समझते हैं चीजों को। नाउ सी, देखिए 1 1 2 3 4 1 2, ओके। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर पार्ट्स इन आंसर, कितने पार्ट्स होंगे, 4 डिजिट + 2 डिजिट, इट्स 6 डिजिट। 6 - 1, इट्स 5 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। नाउ सी, दिस पार्ट इज कॉल्ड राइट पार्ट, दिस वन इज कॉल्ड मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज लेफ्ट पार्ट। टोटल हो गए 5 हिस्से। नाउ सी, अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ध्यान से समझना। जो पहला वाला लास्ट वाला है वो तो वही केस है, इसका इससे, ठीक, और इसका इससे। नाउ हियर इज द ट्विस्ट, सिमेट्री बना लीजिए। मैंने क्या बोला, जस्ट मेक द सिमेट्री। कैसे छुपाया, ये साइड कर रहे तो ये साइड छुपा लीजिए, छुपा ली, अपोजिट साइड, दिस इनटू दिस,
दिस इन टू दिस, ओके गॉट इट। तो मैं लिख बना सकता हूं, क्या बनाइए, दिस इन टू दिस, दिस इन टू दिस, ओके। ना अब ये वाला कर रहे हैं, ये छुपा लीजिए, ये दो छुप गए, यहां पे ये दो छुपे थे, ठीक, सिमेट्री, रंगोली भाई, जो यहां मांडा वही वहां पे भी तो मांडोगे, धज्जिया उड़ जाएगी रंगोली की, कोई पसंद नहीं करेगा भाई, कहां रखोगे दीपक। ये किया, तब देखिए इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, तो ये इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इतनी बात समझ आ गई, पक्का, कोई कंफ्यूजन। फिर देखिए चार पार्ट्स किया आपने, दिस वन इज गोज विद दिस यूनिट डिजिट, ये इसके साथ गया, और आपने बनाई सिमेट्री, आपने क्या बनाई, आपने सिंपल सी सिमेट्री बना दी, और वो सिमेट्री से आपने कर लिया इसको सॉल्व, ओके। नाउ सी, ये बहुत सिस्टमेटिक सिमेट्री बनाई, इसको ड्रॉप किया, ठीक है, इट मींस दो यहां के ड्रॉप किए तो ये मिला, दो ये ड्रॉप किया तो ये मिला, इसमें तो इश्यू होगा नहीं, यहां से मिल गई, मिड वैल्यू कैसे आएगी देखिए, पहले दो दो छोड़े, अब कितना छोड़ दो, एक एक, तो दिस इंटू दिस, इट मींस दिस इंटू दिस। लेट वी हैव एन एग्जांपल, एग्जांपल देखते हैं फिर चीजों को समझते हैं, मैं पैरेलल यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं और यही बता दूंगा। देखिए इफ आई से 1563 मल्टीप्लाई विथ 23, देखिएगा मैं इसी पैटर्न में कर रहा हूं जो पैटर्न यहां पे लिखा हुआ है मैंने, ताकि आपको इशू ना आए, फर्स्ट सेकंड, ओके थर्ड फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ, देखिएगा दिस इनटू दिस 9, दिस इनटू दिस 2, ठीक, इशू, ओके 3 6 18 और 2 3 6, 18 + 6 इट्स 24, 3 1 3, 5 2 10, 3 + 10 13। अब बीच का पार्ट कैसे निकालना है, 3 5 15, 2 6 12, 15 + 12 इट्स 27, ओके। मैंने क्या समझाया था, ऑल पार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल डिजिट एक्सेप्ट द लेफ्ट मोस्ट पार्ट, ये सब सिंगल डिजिट होनी चाहिए, ये एक से ज्यादा चलेगा, नो एज इट इज 4, कैरी वन फॉरवर्डेड इट बिकम्स 29, 9 एज इट इज, 2 फॉरवर्डेड इट बिकम 15, 1 फॉरवर्डेड 35949, ये आंसर है आपका। और मैं बता रहा हूं इनिशियली आपको लग रहा होगा कि टेक्निक्स, बट वी आर फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर दैट वी हैव डिड फॉर द 4 × 2 और 4 × 1, ऑल्सो 2 × 2, 2 × 3, सेम प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं। देखिए लेट वी हैव वन मोर एग्जांपल, दो एक और करेंगे, चलिए देखिए 519 × 43, चलिए देखिए फटाफट करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट दिस वन इज फिफ्थ पार्ट, 3 9 = 27, 4 5 = 20, ओके 1 3 = 3, 4 9 = 36, ठीक है, ओके चलिए देखिए ये तीन पार्ट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत बेकार नहीं कर रही, लीजिए बीच में हो गया चार पार्ट, चलिए इसको थोड़ा सेट कर देता हूं मैं 5 2, वो तो वही कंडीशन है, कुछ बदलाव नहीं आएगा, 3 1 = 3, 4 9 = 36, 3 + 36 इट्स 39, इशू, वेरी गुड, 3 5 = 15, 4 2 = 8, 15 + 8 इट्स 23, नाउ 3 2 = 6, 4 1 = 4 इट्स 10, 7 9, 3 forwarded 3, forwarded 4, forwarded 22, 2 2 4। अब देखिए जब तक आपको पता नहीं हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं, मतलब नहीं है मैथमेटिक्स का। नाउ हियर वी विल चेक विद द डिजिटल रूट, क्योंकि आपको लगे तो आप भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चलिए देखिए डिजिटल रूट निकालें, इसका 9 से कैंसिल हो गया 7, इसका डिजिटल रूट आ गया 8, इसका डिजिटल रूट आ गया 7, 8 5 = 40, 48 56, 56 डिजिटल रूट आ गया 11, मतलब डिजिटल रूट आ गया 2, कितना आ गया डिजिटल रूट 2। नाउ सी 9 कैंसिल 7, 9 कैंसिल, इसका डिजिटल रूट आ रहा है 9, विच इज नॉट पॉसिबल,
मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती की है, मैंने गलती की, इट मीन्स क्यों, क्योंकि इसका डिजिटल रूट मेरा आ रहा है 2। ओके, सिखाया था डिजिटल रूट और इसका डिजिटल रूट आ रहा है, देखिए 9 कैंसल आउट, ओके ये कैंसल, 4, 3, 7 दोनों ये कैंसल, 7 + 2 आ रहा है और यहां 2 आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल, इट मीन्स वी हैव मेड सम मिस्टेक। और मिस्टेक क्या, ये देखिए 7, 2 फॉरवर्ड तो किया ही नहीं था, इट्स 1, 41, 1 इट्स 14, 4, 1, 4 इट्स 2, ओके 2, 2, 4, 4, 1, 7। नाउ चेक विद द डिजिटल रूट, डिजिटल रूट कितना आया था 2, इसका भी कितना आना चाहिए 2, देखिए 7, 2, 9, 8 और 9 2, हैंस प्रूफ आपका आंसर हो गया वेरीफाई। ये फायदा है डिजिटल रूट का। एक और देखिए, इस पे वो डिजिटल रूट लगाया अपन, ऊपर वाले का देखिए डिजिटल रूट निकालिए, विजांग सिखाया था निकालना, 3, 3, 6 गए, 6 आ गया 5, 5, 6, 30 डिजिटल रूट आ गया 3, इसका निकालिए, 9 गया 9 गया देखिए 3 आ गया, और क्या मिलेगा बताइए। मतलब अगर आपने प्रोडक्ट किया है देन यू मस्ट हैव द सेम डिजिटल रूट्स। इफ डिजिटल रूट्स आर नॉट सेम, इट मीन्स दिस इज द इंडिकेशन दैट यू आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो ये आपको बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं हिंट होता है, और ये टेक्निक सिर्फ वैदिक मैथ्स में ही मिलती है। ओके, लेट अस वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स फॉर पर्टिकुलर दिस सॉल्यूशंस, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है आपके लिए ये, तो इसको करते हैं अभी और सीखते हैं, और फिर अब हम पैरेलल अपने आंसर को डिजिटल रूट से भी चेक करेंगे। पैरेलल अपने आंसर को हम किससे चेक करने वाले हैं, डिजिटल रूट से। देखिएगा, मैंने लिया 713, ठीक 713 एक मतलब 7131, इसको कर रहे हैं अपन 42 से मल्टीप्लाई, आंसर कंसिस्ट ऑफ हाउ मच पार्ट, 5 पार्ट्स। नाउ सी दिस इनटू दिस 2, दिस इनटू दिस 7, 4, 28 ओके, नाउ 2, 3, 6 4, 1, 4 इट्स 10, नाउ 7, 2, 14 1 + 1 × 4, 14 + 4 इट्स 18, बीच का कैसे निकालते हैं, दिस इनटू दिस 4, 3, 12 इट्स 14, तो 2, 0, 5, 9, 2, 9, 5, 0, 2 ओके। नाउ सी, नाउ वी विल वेरीफाई द आंसर विद द डिजिटल रूट मेथड। देखिए इसका डिजिटल रूट निकालिए, देखिएगा 7 कैसे निकालना सिखाता है, सम निकाल दो 9 बाहर, 8 ये 9 डिजिटल रूट आ गया ऊपर का 3, इसका कितना आ गया 6, 6 × 3 = 18, 1 + 8 = 9 डिजिटल रूट कितना आ गया 9 आ गया। नाउ सी 5, 2 हो गया 9, ये भी 9, मतलब आपका आंसर सही है। यू नो नीड टू वेरीफाई योर आंसर विद कैलकुलेटर और समथिंग अदर एल्स, आप यहां पे अपना आंसर खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं। अब आप सब जानते, देखिए इधर देखिएगा, अगर मैं बोलता हूं आपसे सपोज टू बी 2 × 8 = 16, समझिएगा डिजिटल रूट्स है क्या, आई एम टेकिंग जस्ट स्मॉल एग्जांपल, इसका डिजिटल रूट 2, इसका डिजिटल रूट 8, ठीक 8 × 16 सिंपल सा आया डिजिटल रूट आपका कितना 1 + 6 निकल के मतलब 7 डिजिटल रूट आएगा। ये तो छोटा नंबर था, ज्यादा दिक्कत देता नहीं है। व्हाट अबाउट दिस नंबर्स, चलिए मैं एक नंबर लेता हूं, इट्स 48 × 44 निकालना सिखाया था, इनटू कैसे करना है आपको, 8 × 4 = आंसर के कितने पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 16 + 32 48, ओके। नाउ सी, हम खुद ही वेरीफाई करेंगे, और मैंने जान करके वहां पे गलती की थी, क्योंकि डिजिटल रूट वेरीफाई नहीं होते, आप सोचोगे मैंने गलती की ना, हर बार नहीं करूंगा बेटा, टेंशन मत लो, गुरु हूं तुम्हारा। चलिए 2
थ्री फॉरवर्ड वन फाइव, क्योंकि देखिए 351 वन रह गया, फाइव फॉरवर्ड हो गया, तो इट्स 2112। डिजिटल रूट चेक करते हैं, ठीक है, दो चार छह डिजिटल रूट आया इसका, इसका भी कितना आना चाहिए छह। अब देखिए चार प्लस आठ बारह, एक प्लस दो तीन, चार प्लस चार आठ, ठीक है, एट थ्री जा 24 और टू प्लस फोर सिक्स, देखिए आया सेम। इसको कहते हैं डिजिटल रूट, मतलब अभी तक आपने जो एडिशन किए थे, सब्ट्रैक्शन किए थे, मल्टीप्लिकेशन किए थे, उसमें आपको श्योरिटी नहीं थी, बट इन वैरिक मैथ्स यू हैव अ अल्टरनेट दैट बाय विच यू कैन फाइंड आउट दी और वेरीफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को बहुत बखूबी वेरीफाई कर सकते हैं। तो डिजिटल रूट टेक्निक यूज करना आ गई ना। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 3, ओके, व्हाट वी विल डू, 4 into 3, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा और फिर सभा समाप्त करेंगे आज की। नाउ सी, देखिएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बाय 4 into 3, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स वी हैव 7, 7 माइनस 1, इट मींस आंसर में कितने पार्ट्स आने वाले हैं, 6 पार्ट्स, 7 में से एक क्या 6, याद है आपको, एक बार नहीं दो बार नहीं दसन बार लिखवा रखा है मैंने। अब चीजें हम डायरेक्ट करने वाले हैं क्योंकि आप वो चीज जानते हैं बखूबी। चलिए, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अब कैसे करना है मल्टीप्लीकेशन को उसको देखते हैं और फिर वापिस से वी विल वेरीफाई अवर आंसर बाय द डिजिटल रूट्स। देखिए 1 2 3 4 1 2 3, नाउ सी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है यहां पे, इट्स हाउ मच पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे 3 6, ये 6 पार्ट्स करने हैं आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं अपना, कंजस्टेड ना हो जाए बस, क्योंकि चीजें दिखनी चाहिए आपको क्लियर कट, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इफ वी हैव द स्पेस तो दिक्कत का ही चीज़, किस चीज की है, 1 2 3 4 5 6, ना इट्स मोर बेटर। चलिए 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बार बार आप शुरू में सीख लीजिए, फिर अपन इसको डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक। अच्छा, इसको अगर आप डॉट मेथड बोले तो गलत होगा क्या, सही है, बोल सकते हैं डॉट मेथड चलेगा। अच्छा, पहली टर्म में तो कोई इशू है ही नहीं, पहली और आखिरी में तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए, दिस इज कॉल्ड राइट पार्ट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट पार्ट, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, ओके। नाउ सी, सबसे पहला पहला और लास्ट निकालते हैं हम, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे वापस, इसका मल्टीप्लीकेशन सेम वही जैसा आपने वहां पे किया था, किसमें, 4 into 2 में किया था, देखिए दिस इंटू दिस इंटू दिस, सेम सिमेट्री यहां पे, सेम दिस इंटू दिस, ओके, कोई इशू तो नहीं। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहां पे, क्योंकि होगा क्या, अब आप स्लॉट छोड़िए, देखिए ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला पॉइंट, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, देखिए इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, अब वहां वाले में इस पॉइंट को छोड़िए, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, फिर समझिए। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूं वापिस से, क्योंकि अब आपने चीज देख ली है, देखिएगा
अब आप सोचोगे सर इतना लेंदी है, इससे अच्छा तो हम वही टेक्निक यूज कर लें। सीखने में घर बनने में टाइम लगता है बेटा, ध्यान रखना, एक दिन में नहीं बनता है। देख लो हमारा अभी तक बना ही नहीं है, इससे अंदाजा लगा लीजिए ना आप है। तो वही चीज है, होप सो बन जाएगा, ऐसा नहीं है, प्रोसेस में है। ठीक, तो पहले डिजिट इससे इंटू, फिर इससे इसकी इंटू, ठीक, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसलिए मैं सिमेट्री चलाता हूं, इसका इससे, फिर हमने ये डॉट छोड़ा, ठीक। देखो एक चीज बहुत अच्छी बताता हूं, अगर आप ये साइड सॉल्व कर रहे हो तो आप ये डॉट सॉल्व करेंगे, देखिए अगर आप ये साइड सॉल्व कर रहे हो तो आप ये डॉट सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा बंदा है। और अगर आप बीच का सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, अब यहां पर देखो कौन सा फिगर आया, इवन फिगर आया, तो बीच में दो है तो बैलेंस कर लिया। पिछला वाला केस क्या था, ऑड फिगर था, तो बीच में आपने साइड साइड के एक छोड़े थे, बीच के वाली वैल्यूज ली थी ना, बीच की वैल्यूज। ऐसा ही होगा हमेशा, हमेशा होगा 99.9% ऑफ केसेस में होगा। तो स्टार्ट, ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, इसको पहले लिख लीजिए फटाक से, आई डोंट थिंक कि इसमें इशू होगा आपको, और डिजिटल रूल पक्का निकालेंगे। पर इतनी बड़ी मेहनत करने के बाद यू मस्ट हैव द श्योरिटी फॉर योर आंसर्स यार, सोचिए ना इतनी मेहनत इंसान क्यों करता है। आज मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि भाई सीधी सी बात है, मेरे बच्चों को वैदिक मैथ्स आ जाए, इट्स नॉट अबाउट मनी। आप ही बोलो सर आपको तो फीस मिल रही है, ये नहीं कह रहा मैं, फीस तो आप दे भी क्या क्या देंगे फीस, वो तो शुक्र मनाइए कि जो इसकी जो फीस ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ कि आप इसकी वैल्यू करें। ये तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं थी कि मैं इस कोर्स को भी फ्री कर देता। अच्छा एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी बीच, देखिए मैं आपको एक बहुत रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि चीज़ों को वैल्यू कब देता है इंसान। हमने इतनी वीडियोज अपलोड की, ठीक, YouTube पे अपलोड हो रही सारी वीडियोस, और आपको ये वीडियो भी YouTube पे मिल रही है। यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ मेरे इस पे 20 से 50 व्यूज पड़ते हैं इस वीडियो पे जो आप देख रहे हैं, और इसका वॉच टाइम उन वीडियो से भी सिर्फ 2 घंटे के अंदर इतना ज्यादा हो जाता है जितना 1 महीने पुरानी वीडियो में भी नहीं है। सोचिए क्यों, अगर यही वीडियो में ऐसे डाल देता तो बच्चे वैल्यू नहीं करते, क्योंकि भाई जहां लगा होता है ना वहां फिक्र होती है। आज आप टाइम से क्यों आ रहे हैं, 7 बजे वेट करते हैं ना, इसीलिए करते हैं आप, इसीलिए फीस ली गई बेटा, और कोई मोटिव नहीं है, और कोई मोटिव नहीं है। सेम यही सिलेबस दूसरे सिटीज में चल जाइए आप, पूरा क्रेज है, बहुत क्रेज है लोगों में ये चीज, लेकिन वही आइसोलेट कर चुके हैं। तो जस्ट यही रीजन है हम लोगों का, और कुछ नहीं है, कि ज्यादा से ज्यादा फायदा आप लोगों का हो। इसमें माइनर सा हम लेके, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि सर तो मालामाल हो जाते हैं, ये वो बैच चला दिए कि इन्होंने स्पेशल, इससे कुछ नहीं होता बेटा, ये मान लीजिए सिर्फ आपका फायदा है। और इसको हमने सिर्फ इसीलिए रखा है पेड, ताकि लोग वैल्यू करें। अगर मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता ना, तो मैं बता रहा हूँ आप उतनी लगन से आप नहीं देखते जिस लगन से अभी आप देख रहे हैं वीडियो को, आप मेरी एक एक बातों को सुन रहे हैं, ओके, उस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ बैक टू द पॉइंट, चलिए करें एक एग्जांपल लें, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और लेते हैं अपन 5132 × 4 1 3, ठीक है, ध्यान से देखना, हाउ मच पार्ट आंसर मस्ट है 6, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, 6 पार्ट, ठीक, पढ़ लेना नहीं तो हो जाएगा सब पार्ट, है ना। चलिए 3 × 2 = 6, देखिए 5 × 4 = 20, इशू डाउट होना भी नहीं चाहिए ना। ये पार्ट कैसे मिलेगा, 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2 = 11, ठीक, 5 × 5 = 4 = 4 = 9, इशू आना भी नहीं चाहिए। अब देखिए 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 15 + 12 = 27, 1 × 1 = 1, 1 = 28, now look at here, 1 × 3 = 3, 4 × 2 = 8, 8 + 3 = 11, and 3 × 3 = 14। मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, शुरू में आप वो हाइब्रिड भी यूज करना, बहुत अच्छी है वो चीज, ये 6 × 1 forwarded = 1, it becomes 5, 1 forwarded = 9, 2 forwarded = 11, 1 forwarded = 21,
2111956। नाउ दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, क्या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से इतना टाइम लगता? वहां पे देर इज अ रेयरेस्ट एंड देर इज अ चांसेस ऑफ बीइंग इनकरेक्टेड। आंसर के वहां पे गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। एज द कैलकुलेशन बिकम कॉम्प्लेक्स और द वैल्यू बिकम्स कॉम्प्लेक्स, देर इज अ मोस्ट प्रोबेबली इट बिकम्स और चांसेस ऑफ द रॉन्ग आंसर विल इंक्रीज। सिंपल सा फंडा है सर, पर जैसे जैसे आप वैल्यूज बढ़ाओगे ना, आंसर्स के गलत होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो हमें उन सब चीजों से रहना है दूर। आगे बात समझ में? नाउ सी, अब चेक करते हैं डिजिटल रूप से। देखिएगा 5 1 6 निकाल देते, ये 5 7 ठीक, 5 7 कट नहीं रहा था, कोई इश्यू नहीं है। 5 ये देखिए 5 8 9 दो आगे डिजिटल रूट ऊपर का ठीक, 4 7 8 ऊपर का 2 नीचे का 8, 8 2 16 1 + 6 7 आ गया डिजिटल रूट ऊपर का, मतलब नीचे का आंसर का भी कितना डिजिटल रूट आना चाहिए 7। 9 गया 5 6 7 8 9 ठीक, देखो 9 गया 5 6 7 8 9 1 + 6 आ गया 7। देखिए कितनी बढ़िया टेक्निक है डिजिटल रूट को, आप देखिए कितना सिंपल है डिजिटल रूट है, इससे इतनी बड़ी श्योरिटी, इतना बड़ा आंसर कोई श्योरिटी देगा आपको? ये देगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, आई एम लविंग दिस। नाउ सी, ईमानदारी से देखिएगा 7 3 2 1 1 4 3 खुश तो बहुत हो गए तुम, नहीं? चलिए अब समझ गए होगे, समझदार हो यार, छोटे बच्चे तो हो नहीं। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, सही है, हो गया सही। 6 नाउ सी करें, जे जा से जाएगा 3 1 3 7 के 7 ठीक, 3 3 अब देखो इसको कैसे करोगे आप, इधर देखना मैं जो आपको बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 3 3 यहां 9 लिख दिया ठीक, 3 3 9 और सॉरी 3 2 6 और 4 1 4 6 + 4 = 10 अब यहां देखिए 7 4 28 3 1 3 28 + 3 31 हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6 ओ ओ ओ एक ब्रैकेट कर देते हैं बड़ा, ओके ठीक। नाउ सी, अब ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं, अभी कैसे निकलता है, 3 3 9 1 1 1 2 4 8 इट बिकम्स 18 ओके, 18 हुआ। चलिए अब इसको सॉल्व करें, 7 3 21 देखिए 7 3 21 1 2 2 4 3 12 करिए प्लस तो 5 35 इशू होना भी नहीं चाहिए। 3 0 1 कैरी फॉरवर्ड 19 9 1 कैरी फॉरवर्ड 36 6 3 कैरी फॉरवर्ड 34 4 3 कैरी फॉरवर्ड 1046903 सोचिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स यू हो गई ठीक। तो सिर्फ कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो चेक करें डिजिटल रूट, देखिए डिजिटल रूट चेक करते हैं। अब कैसे मैं चेक करूं, देखो 7 ये 9 खत्म, ऊपर आ गया 4 4 3 7 8 8 4 32 3 + 2 डिजिटल रूट हो गया 5। नाउ ये 9 6 3 9 4 + 1 5 देखिए कमाल डिजिटल रूट का आया पक्का। चलिए अब मैं देता हूं, आप खुद करेंगे ओके फटाफट, कोई बात नहीं, पहले बार गलत आया, दूसरी बार गलत आया, तीसरी बार तो सही आएगा, कभी तो आएगा ठीक, मेहनत तो करो, होगा सर होगा। चलिए करिए 7 9 1 3 देखो मैंने 7 9 1 3 बोला, लिखा 7 9 4 3 इट्स अ वर्क ऑफ ब्रेन, ये जो दिमाग है ना अलग ही चीज बनाई है भगवान ने, अलग ही
थ्री टू वन करो फटाक से छटपट फटाक। ओके और हां स्पेशल बैचेस भी चालू हो चुकी हैं, आपको पता ही है कि हमारी क्लासेस कौन सी हैं, वैसे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी बता रहा हूँ। स्टडी स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, नीमच, आई एम डायरेक्टर ऑफ माय इंस्टीट्यूशन एसएससी नीमच का, मैं डायरेक्टर हूँ रोहित सैंगर, फ्रॉम सिक्स टू ट्वेल्थ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल स्ट्रीम्स, आप सबने नाम सुना ही है, आपको रिजल्ट्स पता ही हैं, उसमें क्या बोलना और ना उसमें जिक्र करने की ज़रूरत है। बस यही है कि एडमिशन्स हमेशा ओपन रहते हैं, कभी भी इन बीच कभी भी आप आते हैं तो वहाँ पे होता है, लेकिन हाँ फॉर बोर्ड क्लासेस वहाँ पे हमारे पास एकदम लिमिटेड होता है क्योंकि हम वहाँ पे बीच में ऐड नहीं करते बच्चों को। सो फिर भी है स्पेशल कोर्सेज लाइक एनडीए, हम एनडीए का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, एनटीसी ऑलरेडी हमारे पास चलता है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च द वैदिक मैथ्स एंड यू ऑल आर इंजॉइंग, दैट इज इनफ फॉर अस, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं। बट फाउंडेशन कोर्स दैट इज टोटली न्यू फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो कोई अगर हो तो आप सजेस्ट जरूर करिएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, दैट इज स्टडी बियॉन्ड क्लासेस, वहाँ पे सारे लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, वी विल नॉट बियर इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू। सो उसको आप अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो प्राइमरी क्लासेस के लिए हमने बनाया, प्राइमरी के सेकेंडरी बोल सकते हैं आप, वहाँ पे कुछ ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं, एनिमेटेड वीडियोज़ हैं दे रखी है हमने। और हाँ कुछ टाइम के बाद पूरी चीज़ हम स्मार्ट करने वाले हैं क्योंकि स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा तो कोई इशू रहेगा नहीं। सो बेटा बिल्कुल शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लीजिए, करिए इसको सॉल्व, चलिए चेक करें पहले। बोले सर आज तो आपने ऐड कर ही दिया अपना, नहीं ऐसा सोच रहा ना, ना ऐड नहीं किया, हमने बताया आपको सिर्फ, क्योंकि देखिए होता क्या पता है, मैं बताता हूँ, एक बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भटक के एंड में आते हैं हमारे पास, दिसंबर में इवन जनवरी में भी एडमिशन्स लेते हैं हम लोग, सिर्फ उन्हीं के एडमिशन्स लेता हूँ जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाते, बोले सर गलती हो गई हमसे, बस हमें आपके बारे में नहीं पता था, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा ना मैं अपनी बुराई कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि हम लोग जो काम करते हैं वो काम फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ये आप भी जानते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे, क्योंकि नीमच के कम से कम 4,500 से 5,000 बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ खुद, ओके तो वो चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती अपन को, तो उस बात का ध्यान रखना बेटा, है ना। आपकी वजह से अगर किसी की हेल्प हो रही हो तो देखिए दो ऑप्शंस लाइफ में है, अगर आपको नहीं करना तो ना कर दो, लेकिन किसी को गलत गाइड मत करना, क्योंकि होता है हमारे पास, मैं आपको कुछ बताता हूँ, इवन जो वीडियोज देख रहे हैं उनमें से भी कुछ होंगे ऐसे जो मेरे पास लास्ट ईयर आए नवंबर में अक्टूबर में, बोले सर, और इवन दिसंबर में भी आया, मैंने बोर्ड क्लासेस के बहुत अच्छी फैमिली थी काफ़ी, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, बोले सर हम फंस गए, पता है हमें नाम नहीं ले सकता क्लासेस का, दूसरी वो गलत है और अपन किसी की बुराई करते नहीं, तो बेटा सही जगह बहुत ज़रूरी है, सही अप्रोच बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अब अगर हम मिल चुके हैं अब तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, है ना, तो अपन मिलके करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे और अपना बेस्ट देंगे, और उसके लिए बेफिक्र रहिए, टेस्ट वगैरह सब प्रॉपर वे में होने वाला है। ओके नाउ सी करें इनटू कितने पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, ओके 3 1 3 2 3 4 5 6, ठीक, 7 3 21, 4 1 4 2 3 6 इट्स 10, ओके 7 2 14, 9 3 27, 27 + 14 इट्स 41, है ना, 27 + 14 इट्स 41, ओके हो गया ये पार्ट। अब देखिए अब हम पढ़ रहे हैं ये वाला तीन, तो ये वाला तीन कैसे भी करें आपकी मर्जी है, देखिए 7 1 7, 3 4 12, 7 + 12 एंड 9 2 18, तो ये हो गया तुम्हारा 20 30 37। नाउ लुक एट दिस, 9 1 9, 3 9 3 3 9, 2 4 8, 9 9 18 + 26, ठीक है। अगर बेटा अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है तो देख लेना है थोड़ा ना, इतना चलता है, 3 0 1 फॉरवर्ड इट्स बिकम 27, 7 2 फॉरवर्ड बिकम्स 39, 9 3 फॉरवर्ड बिकम 44,
फोर फॉरवर्ड, टू फाइव फोर नाइन सेवन, ठीक है, टू फाइव फोर नाइन सेवन जीरो थ्री. नाउ वी आर गोइंग टू चेक द डिजिटल रूट्स. चेक करने की जरूरत नहीं है, बट चेक करते हैं कि अपना आंसर सही है कि नहीं. देखिए, नौ हटा दो, ओके, सात चार ग्यारह, ग्यारह तीन फोर्टीन, फोर्टीन का डिजिटल रूट फाइव, पांच छ, सिक्स फाइव जा थर्टी, डिजिटल रूट कितना आ गया थ्री. नाउ नौ गया, नौ गया, नौ गया, रुको, नौ गया, सात दो, सात पांच नौ गया, है ना, और ये सात, डिजिटल रूट कहाँ है, मैच नहीं खा रहा है लाला, खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, देखिए कट गया ना. देखिए कितना था आपका, टू फाइव फोर नाइन सेवन जीरो थ्री, सेवन टू नाइन, फाइव फोर नाइन, नाइन से नाइन, व्हाट इज लेफ्ट थ्री. देखिए डिजिटल रूट है, मजेदार. तो आज की इस वीडियो में आपने देखा डिजिटल रूट्स क्या, कैसे चेक करते हैं, और आप इसके लिए नहीं सारे आंसर्स के लिए डिजिटल रूट को वेरीफाई कर सकते हैं. वर्कशीट को आप प्रॉपर सॉल्व करिएगा, प्रॉपर टाइम दीजिए.